वर्ड्स लोकल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे, आज हम आपको बताएंगे कंगना रनौत की तरफ से दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना क्या फैसला सुनाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम की तरफ से कंगना के ऑफिस पर की गई कार्रवाई को गलत बताया और कंगना रनौत के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई को गलत बताते हुए बीएमसी को फटकार लगाई और कंगना के दफ्तर के निर्माण को जायज बताया। कोर्ट ने बीएमसी की तरफ से जारी नोटिस को भी खारिज कर दिया। इसी के साथ कोर्ट ने कंगना को अपने सार्वजनिक बयानों में संयम बरतने की भी हिदायत दी। आपको बता दें कि 9 सितंबर को कंगना के पाली हिल में स्थित ऑफिस पर बीएमसी ने कार्रवाई की थी। उसके कई हिस्सों को अवैध बताते हुए बीएमसी ने तोड़फोड़ की थी, जिसके खिलाफ कंगना ने हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की थी और बीएमसी से 2 करोड़ के हर्जाने की मांग की थी। कोर्ट ने इस नुकसान का पता लगाने के लिए एक सर्वेयर नियुक्त किया, जो कि मार्च 2021 तक हाई कोर्ट को अपनी सारी रिपोर्ट सौंपेगा। आपको बता दें कि कंगना की तरफ से याचिका दर्ज करने के बाद बीएमसी की इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन कंगना के वकील का कहना है कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर आने तक ऑफिस का 40% हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर किए कमेंट को लेकर निशाना बनाने के इरादे से की थी। कंगना रनौत का इस पूरे मसले पर कहना है कि लोकतंत्र की जीत है। तो ये थी पूरी जानकारी जिसके बारे में हमने आपको बताया। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।